प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में, ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, मल्टीमीडिया कम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। मल्टीमीडिया जो होता है वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में आता है। वेयर, जहाँ पे वी कैन सी, देख सकते हैं, एंड हियर, और सुन सकते हैं। देखने के लिए ग्राफिक्स पिक्चर हो गया, और सुनने के लिए म्यूजिक हो गया, साउंड, वीडियो, मूवी, एनिमेशन एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया के अंदर। मल्टीमीडिया हैव फाइव मेन कैटेगरीज। मल्टीमीडिया की पांच मुख्य श्रेणियां हैं। एक देखो कौन कौन से, टेक्स्ट, ठीक है, ये भी टेक्स्ट जो कैटेगरी है ये भी मल्टीमीडिया की है। इमेजेस भी मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी के सारे मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीपल मीडिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ईमेल? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसकी खोज किसने की थी? रे टॉमलिंसन। ठीक है, और हॉटमेल की खोज किसने की थी? वीर भाटिया। Which allow the user to send and receive messages, mails anytime and anywhere in the world on your computer system through email address. ठीक है, email की full form क्या है? Electronic mail है, जो allow करती है user को send करना, भेजना और receive करना, ठीक है, प्राप्त करना messages हो गए, anytime किसी भी समय, anywhere कहीं पे भी, in the world संसार में कहीं पे भी, किसी भी समय, on your computer system, अपने computer system के ऊपर, थ्रू ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेसेस के जरिए। किसी को भी ईमेल भेजनी हो तो उसका हमें क्या चाहिए होता है? ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस। आप देखो क्या क्या भेज सकते हैं। वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, एंड कैन इंक्लूड अटैचमेंट, और उसके साथ में हम अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे ऑडियो मैसेज हो गया, पिक्चर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सबको हम आप साथ में जोड़ सकते हैं, अटैचमेंट लगा सकते हैं ईमेल के साथ। ठीक है, ऑडियो चाहे वीडियो फाइल लगा लो, सब लग जाते हैं। यहाँ पे वीडियो नहीं लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे वीडियो भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, ऑडियो कॉमा वीडियो मैसेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, nitinpong2015@gmail.com। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस है। इस तरह से हम सभी के अगर ईमेल भेजने तो तरह के ईमेल एड्रेस ही चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन पे भेजना हो ना हमने वैसे, तो फ़ोन नंबर चाहिए होता है, ईमेल भेजने को ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ फास्टर देन ऑर्डिनरी पेपर मेल, पोस्टल मेल, या फास्ट होती है एक ऑर्डिनरी पेपर मेल। ये जो हम पेपर मेल को बोल रहे हैं, मतलब पोस्टल मेल जो हम डाकखाने में भेजते हैं ना, लेटर वगैरह, उनसे तो फास्ट ही होती है। अब लेटर तो पता नहीं कितने दिन में पहुँच, कितने दिन टाइम ले लेता है, डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के ऊपर, कितनी दूर है ना, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ईमेल जब हम भेजते हैं इंस्टेंट, उसी टाइम जो है ईमेल हमारी पहुंच जाती है, विद इन 1 सेकेंड और 2-3 सेकेंड्स। ठीक है, रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। रिलायबल मतलब भरोसेमंद मोड है ये कम्युनिकेशन का, संचार का। ठीक है, रिलायबल तब बोल रहे हैं क्योंकि भरोसेमंद है, अगर एड्रेस ठीक लिखा होगा तो उस एड्रेस के ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, और उसकी हमें इंफॉर्मेशन भी एज सेंडिंग एज रिसिप्ट भी मिलती है। ठीक है, ईमेल इज लेस एक्सपेंसिव देन कॉल्स। ईमेल जो है वो बहुत ही कम महंगी होती है कॉल्स की अपेक्षा। ठीक है, कॉल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ईमेल तो बिल्कुल ही कम एक्सपेंसिव है, कम महंगी है। फैक्सेस और कोरियर सर्विसेज बहुत कम, ठीक है, बहुत कम सस्ती है फैक्सेस और कोरियर सर्विसेज, जबकि महंगी है। ठीक है, ईमेल तो बिल्कुल चीपर मीडियम है। वी कैन मैनेज अवर कॉन्टैक्ट्स, सेंड मेल क्विकली, स्टोर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मैनेज अवर कॉन्टैक्ट, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को भी वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सेंड मेल क्विकली, मेल को भी क्विकली भेज सकते हैं। स्टोर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी जरूरी चीज़ें हों वो हम अपनी ई मेल के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं, एज ए ड्राफ्ट रख सकते हैं। ठीक है, पोस्टल मेल्स यूज पेपर टू सेंड लेटर्स। अब जो पोस्टल मेल होते हैं, जो डाकखाने में हम भेजते हैं लेटर वगैरह, तो यूज करते हैं वो पेपर, कागज यूज करते हैं टू सेंड लेटर्स, लेटर्स को भेजने के लिए। बट परंतु ईमेल सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रीज फ्रॉम बीइंग एक्स्ट। ठीक, लेकिन हमारी जो ईमेल होती है वो बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाती है। ठीक है, इसलिए हमें ईमेल यूज करने चाहिए, लेटर नहीं यूज करने चाहिए, पेपर्स भी सेव होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से देखो, ये जीमेल का एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे टू जिसको भेजना है उसका एड्रेस हो गया, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ से हम अटैचमेंट लगा देते हैं, जो भी फाइल हमने अटैच करनी हुई, अगर कोई मैसेज देना है तो यहाँ पे लिखा और सेंड कर दिया, सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। अब जहाँ पे इसके एडवांटेज हैं तो देखो, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। फायदे ज़्यादा हैं ईमेल के। इट्स बॉक्स गेट क्राउडेड, इसका जो इनबॉक्स है वो भर जाता है विद मेल, मेल्स के साथ, विच क्रिएट डिफिकल्टी टू मैनेज, जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है फिर उनको मैनेज करने के लिए। अगर हम डेली ना जो जरूरी ईमेल्स हैं उनको रखें और जो नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दे, तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे अगर ईमेल्स आती रहेंगी तो हमारा इनबॉक्स जो क्राउडेड हो जाता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं ना, कंपनी वगैरह जो, यानी कि अनयूजुअल मैसेजेस भी आते हैं, तो अनयूजुअल मैसेजेस का तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारे फ़ोन की जो इनबॉक्स है उसको, उसी को क्राउड करेगा, उसी को ही भरता रहेगा, है ना। ई मेल ऑल्सो कैरी वायरस, ई मेल जो होती है वो वायरस को भी कैरी करती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। लेकिन अब जो ई मेल के जितने भी बने हुए हैं ना, जो भी कंपनीज हैं, वो अपने सभी गेटवे यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरस अपने वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सर्वर पे ही वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ताकि फिल्ट्रेशन बनी रहे, किसी तरह का वायरस ना आए। इसके अंदर एंटी स्पैम की ऑप्शन भी दी होती है ई मेल के अंदर, ठीक है। तो ईमेल में वायरस आने की वैसे चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। इट डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क, अब ये हमारे लोगों को क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं ये फ्रॉम डूइंग प्रोडक्टिव वर्क, जो कुछ एक जो होते हैं प्रोडक्टिव वर्क होते हैं ना, जैसे ये तो होता है कि हम स्क्रीन के सामने बैठे रहें और ईमेल्स भेजते रहें, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का भी काम करती है, तो हमारे लिए जो प्रैक्टिकली वो प्रोडक्टिव वर्क होते हैं उनको भी करने से रोकती है। तो आज का जो टाइम है वैसे डिजिटाइजेशन का है, तो ईमेल का तो यूज़ हो गई होगा, प्रोडक्टिव काम हम जो है वो वैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है, ये आता है एग्जाम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई मेल एंड पोस्टल मेल, ठीक है। ई मेल और पोस्टल मेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट है ईमेल्स की साइड से, ईमेल टेक्स फ्यू मिनट्स टू डिलीवर मैसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ईमेल जो होते हैं वो बहुत ही चंद मिनट्स लेती है मैसेजेस को सेंड करने में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है। अब देखो ना, मिनट्स क्या, ये तो सेकंड्स में टाइम लेता है, डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, ठीक है। 4G स्पीड होगी तो विद इन सेकेंड सेंड हो जाती है हमारी ईमेल, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब पोस्टल मेल जो होती है वो तो दिनों में ले लो, कि पोस्टल मेल टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिलीवर मैसेजेस, जो डाकखाने से हम लेटर भेजते हैं ना, तो वो तो टाइम लेते ही लेते हैं डिलीवर मैसेज, फ्रॉम 4 to 5 days, 4 से या 5 दिन, डिपेंड करता है वो डेस्टिनेशन के ऊपर, कितना दूर हमने उस लेटर को भेजना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ई मेल इज़ चीपर देन ए लोकल कॉल, ई मेल जो होती है वो सस्ती होती है, एक लोकल कॉल से भी ज़्यादा सस्ती है, जबकि पोस्टल मेल जो होते हैं इज़ एक्सपेंसिव एज पर नेशनल इंटरनेशनल टैरिफ रेट्स, जबकि जो पोस्टल मेल होती है वो महंगी होती हैं एज पर नेशनल, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी जो दरें होती हैं उसके हिसाब से ये पोस्टल मेल्स जो है उनके जो रेट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं, जबकि ये एक्सपेंसिव एक महंगा साधन है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस आता है, ई मेल पासिस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, देन इट रीचेज द राइट डेस्टिनेशन, अब जो ई मेल होती है वो पास होती है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्क के ऊपर, देन इट रीचेज द राइट डेस्टिनेशन, तब जो है वो अपनी ठीक मंजिल के ऊपर पहुँचती है, ठीक है। उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईमेल तो विद इन सेकेंड चली जाती है, जबकि पोस्टल मेल जो होती है, बट पोस्टल मेल पासिस फ्रॉम वन पोस्टल स्टेशन टू अनदर पोस्टल स्टेशन बाय रोड एंड वाटर, देन इट रीचेज इट्स राइट डेस्टिनेशन, जबकि जो पोस्टल मेल होती है वो पास होती है एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में बाय रोड, रोड के जरिए, मतलब बसेस वगैरह में भेजते हैं डाक, जो थैला पैक करके भेज देते हैं सारी डाक का, है ना, बाई वाटर या समरीन या जहाज के जरिए, पानी के जहाज के जरिए जिनको भेजनी हो, देन इट रीचेज इट्स राइट डेस्टिनेशन, तब वो जाके अपनी सही मंजिल के ऊपर पहुंचती है, जिसमें कई दिन लग जाते हैं। ई मेल रेट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ग्राफिक्स साउंड वीडियो टेक्स्ट, अब ई मेल का जो रेट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि ग्राफिक्स हमारी पिक्चर कितने साइज की, हमारी जो ऑडियो है वो कितने साइज की, हमारा वीडियो कितने साइज का है, उतना हमारा डाटा लगता है। 5 MB का होगा तो 5 MB का डाटा लगेगा, ठीक है। अब डाटा जिस हिसाब से कंपनीज दे रही हैं उस हिसाब से तो ई मेल सस्ती है, बट पोस्टल मेल रेट्स डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ डॉक्यूमेंट, जबकि जो पोस्टल मेल होती है उसका जो रेट डिपेंड करता है वो डॉक्यूमेंट के वजन के ऊपर डिपेंड करता है, वो वजन करते हैं, अगर हमने कोरियर भेजना हो या कोई डाक भेजना हो तो उसका वेट कर लेते हैं, ठीक है, तब वो भेजते हैं। नॉर्मल हो तो ऑर्डिनरी को तो वो वैसे
एज पर नेशनल और इंटरनेशनल टैरिफ रेट्स पे भेजते हैं, ठीक है। तो ये थी ईमेल और पोस्टल। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क की, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग देम। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो एक ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का, ठीक है, ग्रुप होगा दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का, दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, जो आपस में आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, किसी न किसी संचार माध्यम के जरिए, ठीक है, टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग देम, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए अपने बीच में। अब ये जो हम नेट के ऊपर चैटिंग वगैरह करते हैं, एक दूसरे को मेल्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो नेटवर्क के ऊपर ही भेज रहे हैं हम एक तरह से, यानी कि एक वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो एक तरह का वो नेटवर्क ही है जिसमें हम एक नहीं होते, जिसमें सारे जुड़े होते हैं, बहुत सारे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन आपस में जुड़े होंगे नेटवर्क के ऊपर, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे या मोबाइल नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। नीड क्या है और एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की, ज़रूरत क्या है और इसकी जो गुण है, इसकी जो विशेषता है वो क्या क्या है। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, The departments or organization can easily exchange their information by using computer network, ठीक है। जो भी departments हैं, ठीक है, या organizations हैं, वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, उनके लिए easily होता है information को exchange करना by using computer network। जितने भी हमारे department हैं ना, हमारे दफ्तर हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या organization या संगठन है किसी भी तरह के, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को आपस में आदान प्रदान करना आसान होता है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, ये इसकी पहली विशेषता है। शेयर रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, वी कैन शेयर रिसोर्सेज बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, हम नेटवर्किंग के जरिए कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ वी हैव ओनली वन प्रिंटर, अगर हमारे पास एक ही प्रिंटर है, एंड 10 कंप्यूटर वॉन्ट टू शेयर द सेम प्रिंटर, और 10 कंप्यूटर चाहते हैं कि सेम उसी प्रिंटर को शेयर करें, देन नेटवर्किंग मेक इट पॉसिबल। तो नेटवर्किंग जो है हमारी, इसको एक संभव बनाती है, नेटवर्किंग के जरिए 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 कंप्यूटर हो, वो एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन का भी तो हम नेट शेयर कर सकते हैं, है ना, रिसोर्स मतलब शेयर करना, जैसे मोबाइल का नेट ही शेयर करना, तो हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, 30 to 35 पीपल्स जो हैं, जो आते हैं ना जियो के, आते हैं छोटे मॉडम आते हैं के, वाईफाई के, फ़ोन के ऊपर भी अब तो लिमिट्स होती है, लेकिन हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन यानी रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के जरिए। लोड शेयर, अब जो लोड पड़ता है उसके ऊपर, जो भार पड़ता है ना उसका, जो शेयर होता है, शेयरिंग का जो लोड पड़ता है नेटवर्किंग के ऊपर, नेटवर्किंग हैव टू शेयर वर्क लोड ऑफ कंप्यूटर। अब नेटवर्किंग हमारी जो काम का जो लोड होता है ना, उसको भी शेयर करने में मदद करती है। मान लो जो काम एक बंदा एक कंप्यूटर पे बैठ के कर रहा है ना, अगर मान लो उसके लिए उस काम को उसने बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे करना हो, इकट्ठे करेंगे तो उसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर पे उस काम को करेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि नेटवर्किंग के ऊपर जो लोड होगा, जो काम का जो वजन होगा, वो भी शेयर हो जाता है, यानी कि ये काम के जो लोड होता है, काम का जो वजन होता है, उसको भी शेयर करते हैं, काम आती है नेटवर्किंग, काम आसान हो जाता है। एक कंप्यूटर पे करेंगे तो जो काम जो होगा, यानी कि मान लो किसी स्टॉक को मैनेज करना है, या 20-25 कंपनीज का स्टॉक मैनेज करना है, तो एक कंप्यूटर पे तो दिक्कत आएगी और बंदा भी थक जाएगा, लेकिन अगर उसको 10 बंदे करेंगे मिलके और नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट होके, तो काम आसान हो जाएगा, लोड हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि काम का जो वजन है, लोड है, वो शेयर हो जाएगा। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, नेटवर्किंग इज रिलायबल टू टेक बैकअप, नेटवर्किंग जो होती है वो रिलायबल एक भरोसेमंद साधन है टू टेक बैकअप ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर ऑन ए सिंगल सर्वर, हम डिफरेंट कंप्यूटर्स का जो बैकअप है उसको एक सिंगल सर्वर के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, ये नेटवर्किंग से पॉसिबल है। मान लो 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो 100 कंप्यूटर का बैकअप हम एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्किंग के जरिए उठा सकते हैं, ठीक है, जो नेटवर्किंग के ये सारे के सारे हमें फायदे हैं। अब ये नेटवर्किंग करनी हो तो करेंगे कैसे, और किस तरह से हम इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी को ही लेकर है, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरण कौन कौन से उपकरणों से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होते, पहले होस्ट चाहिए होते, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप होने चाहिए, होस्ट में उनको बोलते हैं हम, ठीक है, बोथ साइड होने चाहिए, ये भी
सेंटर और रिसीवर साइड दोनों साइड होना चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमारे कंप्यूटर में NIC कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। एथरनेट केबल, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए केबल्स चाहिए होती हैं, एथरनेट केबल बोलते हैं उनको। हब स्विच और रूटर, और डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए छोटे लेवल पे हब चल जाती है, स्विच थोड़ा सा हमारे 10-15 कंप्यूटर हैं तो स्विच चल जाता है, और रूटर जो है हमारा एक एरिए को दूसरे एरिए के साथ जोड़ना हो डाटा को, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, तो उसके कंप्यूटर आ जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन, अगर मान लो कि अपने पूरे के पूरे उस नेटवर्क को ही किसी आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री हमने जोड़ना, तो इंटरनेट की भी जरूरत पड़ जाती है। बिना इंटरनेट के भी हम आपस में जुड़ जाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। जब बहुत सारे नेटवर्क एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम इंटरनेट ही बोल देते हैं, यानी कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये है होस्ट। होस्ट होना चाहिए मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन होने चाहिए, और उनमें होना चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर के अंदर ये होना चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जहाँ पे हम एथरनेट केबल को लगाते हैं, ठीक है। एथरनेट केबल्स ये होती हैं इस तरह की, RJ45 कनेक्टर होता है, इस तरह की केबल्स होती हैं एथरनेट केबल्स, जहाँ पे उस पॉइंट को लगाते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, यहाँ पे लगाते हैं इन केबल्स को, ठीक है। अब ये होती है हब, और ये स्विच होता है, ये वायर्ड रूटर होता है, और वायरलेस राउटर भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। हब होती है, थोड़े बहुत कंप्यूटर जोड़ने हो, 7-8, 8-10 जोड़ दिए, और स्विच काम आ जाता है 15-20 जितने भी कंप्यूटर आगे जोड़ने, मतलब डिपेंड करता है कितने पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। वायर्ड रूटर, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ना है तो हम रूटर यूज़ करेंगे, ना कि फिर स्विच से काम नहीं चलेगा, ना तो हमसे काम चलेगा। ये तो वायरलेस रूटर ले लो, ये तो वायर्ड, वायरलेस से तो कम रेंज चलेगी, वायर्ड रूटर से हम लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पे दे सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात कर रहे थे होस्ट की। तो कंप्यूटर लैपटॉप, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्किंग इज कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन द बोथ सेंडर और रिसीवर साइड। पहली रिक्वायरमेंट जो है नेटवर्किंग की, वो ये है कि कंप्यूटर और लैपटॉप होने चाहिए दोनों तरफ, सेंडर और रिसीवर साइड दोनों तरफ होने चाहिए, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिजाइन टू कम्युनिकेट डिफरेंट कंप्यूटर ओवर नेटवर्क। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिजाइन किया हुआ है कि हम अलग अलग तरह के कंप्यूटर को नेटवर्किंग के ऊपर जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नंबर यूनिक होता है, वो कंप्यूटर को क्या बना देता है, एक तरह से फिर यूनिक बना देता है, ठीक है। ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज इट्स ओन यूनिक आईडी व्हिच इज रिटन ऑन ए चिप, ठीक है। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपनी एक खास आईडी होती है जो उस चिप के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो तभी तो पॉसिबल तभी होगा अगर कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। एथरनेट केबल, तीसरी रिक्वायरमेंट है कि हमें तारें चाहिए, केबल्स चाहिए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, लैपटॉप को आपस में जोड़ने के लिए। एथरनेट केबल कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेज, जो एथरनेट केबल्स होती है वो कनेक्ट कर सकती है हमारी जो भी नेटवर्किंग की डिवाइसेज है, जैसे NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडम, हब, राउटर, अडेप्टर्स हो गए, इन सबको जोड़ने के लिए। अब इन सारी चीज़ें तो हमारे पास होंगी, लेकिन उन सबको जोड़ने के लिए हमारे पास तारें भी तो होनी चाहिए, तारें होनी चाहिए। अगर वायरलेस मॉडम है, वायरलेस रूटर है, तो वायरलेस से काम चल जाएगा, लेकिन केबल्स का फिर भी इस्तेमाल करना हमें पड़ जाता है, ठीक है। अब चौथी रिक्वायरमेंट है हब स्विच और राउटर की। अब देखो, एक तो हमें ये चीज़ें चाहिए होती है, फिर चौथी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए होते हैं फिर, ठीक है। 7-8 जोड़ने हो तो हब, उससे ज़्यादा जोड़ने तो स्विच, बहुत सारे जोड़ने तो राउटर, ठीक है। हब स्विच एंड राउटर्स आर डिवाइसेज दैट कंट्रोल द डाटा ट्रैफिक एंड मेक द डाटा ट्रैवल ईजी ओवर इन नेटवर्क, ठीक है। हब स्विच और रूटर जो होते हैं वो ऐसे उपकरण जो डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और डाटा ट्रैवल को आसान बनाते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब पांचवी रिक्वायरमेंट वो इंटरनेट कनेक्शन, टू कनेक्ट विद इन इंटरनेट। अगर इंटरनेट के साथ हम अपने नेटवर्क को जोड़ देना हो तो टू कनेक्ट विद इन इंटरनेट अ नेटवर्क नीड्स एन इंटरनेट कनेक्शन। तो हमारे नेटवर्क को जोड़ पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन की, ठीक है। मान लो कि 10-15 जो भी एक स्टेट के जोड़ने थे कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए, उसके बाद हम चाहते हैं कि उन सारे के सारों को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ दें, तो वो हम इंटरनेट के जरिए जोड़ सकते हैं, जिसके लिए डायलअप है। पहले होते थे डायलअप, ब्रॉडबैंड आए, ये तो यूज़ हो ही रहे हैं, WiMAX आ गए हैं, वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस बोलते हैं जिसको, ISDN है, 3G 4G है, 4G चला हुआ है जियो का, ठीक है। अब तो जियो गीगा फाइबर भी आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए रही काफ़ी, तक कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक सभी आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।